पक्का रोटी, मिस्सी रोटी, बाजरा रोटी, रागी रोटी, सूजी रोटी, आटा रोटी, टहने नहीं नहने नहीं नहने नहीं नहने। सुस्वागतम प्रियजनों। तो हमारे देश में इतनी सारी रोटियां और आजीवन मैंने क्या खाया, सिर्फ घर में आटे की रोटी। मेरी मम्मी ने सिर्फ आटे की रोटी बनाया और मैंने भी हमेशा वही बनाया। मतलब बाहर हमने खाया है तंदूरी नान वान ये वो, बट घर में कभी नहीं बनाया। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अलग अलग तरह की रोटी बनाया जाए। तो है तो वैसे बहुत वैरायटी की, बट मैंने सिर्फ 10 चूज किया है कि मेरे पास जो घर में सामान था और मेरे साइज के हिसाब से 10 ही ठीक है। तो आज हम बनाएंगे 10 तरह की रोटियां, अलग अलग रोटियां। तो चलो आ जाओ। और ये सारा आटे को छोड़ के मैं सब फर्स्ट टाइम बनाऊंगी, अभी पता नहीं कैसा बनेगा, चलो पर देखते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो शुरू करते हैं आज का हमारा रोटी बनाने का अभियान। तो रेसिपी तो सारी मैंने देख ली है इंटरनेट से, आप लोगों को भी पता ही होगा मेरा फर्स्ट टाइम है तो ऊपर नीचे कुछ भी गड़बड़ हो ही सकता है, बट कोई बात नहीं, स्टेप मार्किंग होगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला ये मैंने आटा बेसन ले लिया, हल्दी मिर्च नमक थोड़ा मिला लिया है और अच्छे से गूंद लिया है, और ये बिल गया मेरा, और बेलने के बाद गया तवे पे। तो ये बन गई हमारी पहली मिस्सी रोटी, ये सक्सेसफुल, फूला नहीं बट कोई बात नहीं। तो अभी ये थोड़ा मेहनत वाला है, एक कप पानी लो और पानी में जब गुलू 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 पानी करने लगे तब एक कप सेम आटा लो और उसके बाद उसको थोड़ा ढको, थोड़ा पकाओ, थोड़ी देर फिर ढको, जब ठंडा हो जाएगा फिर जाके हम उसको गूथेंगे फिर से, और उसके बाद बनाएंगे अपनी गोल गोल रोटियां, जो पता नहीं मेरी गोल तो नहीं, पता नहीं क्या बना। और उसके बाद फिर जाएगा तवे पे सेकने। और ये बन गई है हमारी दूसरी रोटी जो कि है बाजरा रोटी। ये फटफट सी गई है बट कोई नहीं, फर्स्ट ट्राई चलेगा। तो हमारी आगे की रोटियां भी कुछ इसी तरीके से ही बनेगी, प्रोसेस सेम है, बस आटा डिफरेंट है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो होगा। एक कप पानी, एक कप आटा, पकाओ गुथो, बेलो सेको रागी रोटी। एक कप पानी, एक कप आटा, पकाओ गुथो, बेलो सेको चावल रोटी। एक कप पानी, एक कप आटा, पकाओ गुथो, बेलो सेको बेसन रोटी। एक कप पानी, एक कप सूजी, पकाओ गुथो, बेलो सेको सूजी रोटी। और इतनी मेहनत के बाद आ गए हैं हम नान का आटा लगाना, जिसमें जाएगा मैदा, नमक, सोडा, दही, जो आपको पता ही होगा। और आटा लगा के मैंने कर दिया साइड। फिर आ गई मैं अपना नॉर्मल मैदा, मतलब जो सोचा था मैंने रुमाल ही बनाने के लिए, बट मुझे ही रुमाल की ज़रूरत पड़ गई इतनी देर के बाद, तो मैंने नॉर्मल ही बना दी, जो कि बन गई थोड़ी मोटी मोटी। पता नहीं सारी रोटियाँ मेरे साइज़ की मोटी मोटी क्यों बन रही है। फिर बनाई मैंने आटे की रोटी जो कि सबसे घटिया बनी, जो मैं रोज बनाती हूँ, पता नहीं मैंने क्या ही बना दिया, बट कोई बात नहीं, इतनी मेहनत के बाद हवा निकलने का समझ में आ रहा है। और फिर ये आ गए हम अपने तंदूरी रोटी के लिए, तंदूरी नान जो भी बोलो। ये भी जल के पक के पता नहीं कैसी शक्ल काली सी हो गई, बट कोई बात नहीं, जब रोटियां गड़बड़ बने ना तो उसमें भर भर के मक्खन बटर पेल दो तो सारी जली मोटी कच्ची जैसी भी हो स्वाद ही आ जाता है भाई। तो बस हमने भी कर दिया, घी पेल दिया और क्या। तो ये हो गया हमारा नान रेडी, उसके बाद आते हैं लास्ट पे। अरे भैया खत्म ही नहीं होता है, गिनते गिनते पागल हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है। अभी मैंने सोचा है कि इन सब से थोड़ा लेके मिक्स करके इन सब का मिक्सचर करके एक में बनाऊंगी। अभी देखते हैं उसका रोटी कैसे बनता है। सब का मिक्सचर एक, देखो कैसा दिख रहा है। चलो भैया आखिरी रोटी, हालत खराब हो गई, पता नहीं मुझे क्या कीड़ा चढ़ता है ये सब हरकतें करने का, देसी रोटी बनाएंगे। चलो कोई बात नहीं, बन तो गई आखिर में, ये रही हमारी मिक्स्ड रोटी। अभी मेरे पास एक बंदा है, उसको पता ही नहीं चलता है कि खाने में नमक है कि नहीं, तो मैं उसी से टेस्ट कराऊंगा, देखूंगा उसे पता चलता है कि नहीं कि कौन कौन सी रोटी है। इतनी सारी रोटी मेरे जिंदगी में नहीं बनाई, थक गई मैं, मतलब ऐसे एक एक बना, अलग 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 बनाने में तो हालत खराब हो गई, भूख भी बहुत तेज लगी है। चलो अभी टाइम नहीं लगाते हैं, टेस्टर को बुलाते हैं। फिर हो जिंदगी में खाई है इतनी सारी भी, लेकिन ये एक ही टाइप की रोटी नहीं, सब अलग अलग वैरायटी की रोटी है जो कि तुमको अभी खा के बताना है। बताओ जरा, बताओ कौन सी क्या रोटी। ये रही हमारी आलू की सब्जी जो मैंने सुबह बना ली थी। चलो ये मुझे पता है, ये है रागी रोटी। ओके तो ये पहला ट्राई करने और भी है। ओके ये बताओ कौन सा है। ये तो देखने में तो एकदम समझ में नहीं आ रहा है, नहीं है
ये आटे की रोटी। ये तुमको नमक नहीं पता चलता है, लेकिन ऐसे कैसे पता चल रहा है कि किसका है? ये समझ नहीं आ रहा। दिस इज बेसन। ये बेसन है, ये शायद मैं बता पाऊँ ये क्या है। ये अपनी सूजी। सूजी, सूजी, सूजी। ये आटा है या फिर मैदा होगा? ये सफेदी की चमकार। आटा शायद खा चुके ऑलरेडी। मैदा? चावल। ये चावल का है? ये हल्दी रोटी है क्या? हल्दी रोटी? इट्स मिस्सी रोटी। ये? नो, आखिर नहीं, अभी और बचे हैं तीन। और भी थे? ओके। बाजरे का सिट्टा। इसके खिंचाव में समझ में आ रहा है ये है मैदे। ये सतरंगा तो नहीं बोलूंगा, दस रंगा लग रहा है। तो ये है मिक्स। कैसे पता? क्योंकि इसमें हर कलर का ये लग रहा है, मिश्रण लग रहा है। ये तो अपना तंदूरी रोटी, तवा तंदूरी नान, जो भी बोलो। ये आखिरी बाइट जाता है आपको, इतना मेहनत करने के लिए। बड़ा बाइट, बिग बाइट। अप्रोक्सिमेटली 3 घंटे से ज्यादा, मतलब प्रिपरेशन 3 घंटे लगे मुझे बनाने में 3 रोटियां। अब बता सबसे बेस्ट कौन सा है टेस्ट में? रागी अच्छा लगा और सूजी भी बहुत स्मूथ था, सूजी बहुत ही अच्छा लगा। रोटी भी बहुत टेस्टी लगा। थोड़ा फूले नहीं है, थोड़ा ऐसे हो गया, बट एफर्ट काउंट्स। एफर्ट मैंने इतना, मतलब सोचा नहीं था मेरे से बन पाएगा, बट बना लिया मैंने। गुड जॉब। चलो अभी मैं खाती हूँ और हम खाते हैं। और तुम है ना, सब कुछ साफ कर देना, वो करना, मैं जा रही हूँ फिर आराम करना। ओके चलो। ओके।